बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जब भी हम विंडोज़ 11 को इंस्टॉल करते हैं तो मोस्टली हमें TPM 2.0 का एरर शो होता है। तो आज की वीडियो में हम इस एरर को कैसे रिमूव कर सकते हैं यही जानेंगे। तो ये देखें, हमने विंडोज़ 11 का जैसे ही सेटअप स्टार्ट किया तो हमें TPM 2.0 का एरर शो हुआ है। तो इसका टेक्स्ट हमने डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि मुख्तलिफ कंप्यूटर्स के अंदर हम किस तरह TPM 2.0 को इनेबल कर सकते हैं। अगर आपके पास इंटर प्लेटफॉर्म कंप्यूटर है तो आपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करके F2 प्रेस करना है और बायो सेटिंग में जाना है। बायो सेटिंग में जाके सिक्योरिटी में जाना है और वहाँ पर इंटर प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी को इनेबल कर देना है। और अगर आपके पास डेल का कंप्यूटर है तो आपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट के F2 प्रेस करना है और बायोस में चले जाना है। बायोस में जाके आपने सिक्योरिटी के सेक्शन में जाना है, उसको एक्सपेंड करके TPM 2.0 की सिक्योरिटी में जाना है, फिर उनको TPM को ऑन करके अप्लाई करके उसको सिलेक्ट कर लेना है। अप्लाई करके चेंजेस सेव करके एग्जिट कर जाना है। अगर आपका कंप्यूटर या लैपटॉप HP का है तो सबसे पहले आपने अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट करके F10 प्रेस करना है और बायो सेटअप मेन्यू में चले जाना है। अब सिक्योरिटी टैब में जाकर आपने TPM डिवाइस स्टेटस को देखना है, अगर वो हिडन है तो आपने TPM डिवाइस स्टेटस को अवेलेबल कर देना है। अगर हम इसको अवेलेबल या इनेबल कर देंगे तो आप फिर आपने F10 प्रेस करना है और वहाँ पर सेव चेंजेस का ऑप्शन आएगा, उसको येस क्लिक कर देना है, फिर आप एग्जिट कर देंगे। अगर आपके पास लेनोवो का कंप्यूटर या लैपटॉप है तो इसमें आपने बायोस ऑप्शन में जाना है। वहाँ पे सिक्योरिटी की ऑप्शन में एक सिक्योरिटी चिप की ऑप्शन होगी, आपने वहाँ जाना है और वहाँ जाके सिक्योरिटी चिप में देखना है कि आपके पास वहाँ पे TPM है। अगर TPM है तो उसको अनेबल करके फिर उसको कन्फर्म करके एग्जिट कर देना है। अगर आपने अपने TPM को अनेबल कर लिया है और आप विंडोज़ 11 को दोबारा से रन करेंगे तो आपकी विंडोज़ ईजीली इंस्टॉल हो जाएगी विदाउट किसी एरर। देखिए, हमारे कंप्यूटर में एरर आया था, हमने अपने कंप्यूटर को रीस्टार्ट किया F2 करके, सेटअप में गए हैं। सेटअप में जाके हमने एडवांस ऑप्शन में जाना है, एडवांस ऑप्शन में जाके हमने सिक्योरिटी में जाना है। अब देखिए, हम सिक्योरिटी के ऑप्शन में गए हैं तो हमारे पास इंटर प्लेटफॉर्म ट्रस्ट टेक्नोलॉजी डिसेबल आ रहा है, इसको क्लिक करके हमने इनेबल कर दिया है और एग्ज़िट पर जाके सेव चेंजेस करके एग्ज़िट कर दिया है। अब हमारा कंप्यूटर सेव चेंजेस करके रीस्टार्ट हुआ है। अब हमने विंडोज़ 11 का सेटअप दोबारा रन किया है। तो ये देखिए, विंडोज़ 11 का सेटअप विदाउट एनी एरर चलना शुरू हो गया है। Hope this video solved your TPM error and cleared the concept about TPM. Please like my video, subscribe my channel. Allah Hafiz.